हेलो दोस्तों, तो आप में से 90% बंदों को ये नहीं पता होगा कि KGF 3 के दो सीन्स हमें KGF 1 में दिखाए जाते हैं। KGF 1 में दो ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिसका लिंक हम ना तो KGF 2 के साथ बिठा सकते हैं ना किसी और फिल्म के साथ। वो सीन्स क्या कहना चाहते हैं उसे समझने के लिए हमें KGF 3 देखना पड़ेगा जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और वो दो सीन किसी को पता है कि कौन से है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो चलिए बताते हैं। तो KGF 3 के जो दो सीन KGF 1 में दिखाए जाते हैं उसमें पहला सीन वो होता है जब रॉकी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है। सिर्फ उस रॉकी को बचाने के लिए वहाँ पे दो हेलीकॉप्टर्स के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल की पूरी फौज आ जाती है, जिसको देख के भाई मेरा तो रोंगटा खड़ा हो चुका था। मैंने रोंगटा बोला, कुछ और मत समझना, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स की फौज आई है, इसका मतलब रॉकी अब बन चुका है इंटरनेशनल डॉन, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था। अब जो दूसरा सीन है जिसमें रॉकी बार में बैठा हुआ है अपनी नई गन की टेस्टिंग करने के लिए और बाहर से बहुत सारे मतलब एक पूरी फौज उसे मारने के लिए आती है और वो अकेला पूरे के पूरे बंदों को साफ कर देता है। और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डायलॉग आता है कि सोचो जब उसको पता है कि वो अकेला है फिर भी वो अकेला अंदर खड़ा है, और उसको पता है हम यहाँ पे पूरी फौज है फिर भी वो अकेला खड़ा है, तो वो किसकी लेवल का डेंजर आदमी होगा। मतलब वो गैंगस्टर नहीं, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो ये जो दो सीन है वो हमें KGF 3 में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ये लिख के ले लो आप।